जा रही है, कैंसर फैल रहा है, उसकी भी सुविधा प्रदान करने कृपा करें, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरिंदर सिंह राजा जी, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो देश की, उसकी तरफ लाना चाहता हूं। आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है और उसमें लिखा है कि अब सहन नहीं होता ड्रग तस्करों के नाम लिए, उन्होंने खुद जो ड्रग्स लेते हैं उन्होंने वीडियो बनाकर ड्रग तस्करों के नाम लिए, पंजाब के अंदर लुधियाना की खबर है। और उन्होंने कहा कि अब सहन नहीं होता कि जिस मामले हम दलदल में इतने बुरी तरीके से घुस चुके हैं। अगली इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, व्हिपिंग ट्रेंड इन क्लासरूम्स ऑफ लुधियाना रिंग्स अलार्म्स बेल्स, स्कूल इंक्रीजेस विजिलेंस आफ्टर रिकवरी ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम चिल्ड्रन। मेरे कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय, पंजाब के अंदर, वैसे तो मैंने कहा है कि देश की समस्या है, लेकिन पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या इतनी ज्यादा है कि जहां भी हम जाते हैं गांव के गांव खाली हो गए। कुछ नौजवान साथी तो देश छोड़ के चले गए हैं, जो बचे खुचे थे वो ड्रग्स में लग रहे हैं। और उसका कारण वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में 425 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। जब लोग प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि चार गुना ड्रग्स हो गया, तो वो प्रदेश वाले कहते हैं कि अब बीएसपी जो बीएसएफ का एरिया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया है, वो बढ़ गया है। 13/10/2021 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 15 किलोमीटर तक आगे जा सकती थी, लेकिन अब 13/10/2021 से 50 किलोमीटर वो एरिया बढ़ा दिया है। बीएसएफ घर घर में चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रग्स की समस्या हल नहीं हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि संसद का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम ड्रग्स के ऊपर, ये चिंता का विषय है देश के लिए, दो चार दिन की बहस होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है इसके लिए वो बातचीत करना चाहिए, धन्यवाद। माननीय सदस्य सुकांत कुमार पाणीगही जी, मैडम थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक। माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं थोड़ा सा शांति बनाकर रखें। आई रिप्रेजेंट वन ऑफ मोस्ट बैकवर्ड पार्लियामेंट, दैट इज कंधमाल पार्लियामेंट इन ओडिशा। मोस्ट ऑफ द एरिया इज हिलिटेरियन इनहैबिटेड बाय ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड पॉपुलेशन। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट, सम एरियाज आर नॉट येट कवर्ड विथ इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेस। थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ 300 टावर्स इन लास्ट टू इयर्स। मैडम, अनदर 600 मोबाइल टावर्स आर रिक्वायर्ड इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कवर द एरियाज। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मैडम, दैट्स वाई रिक्वेस्ट ऑनरेबल टेलीकॉम मिनिस्टर थ्रू यू टू प्रोवाइड एडिक्वेट टेलीकॉम सर्विसेस इन माई एरियाज। थैंक्स, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़े हुए मैं दो तीन बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए, तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट डे। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है,
लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लेरिफाई किया कि ये जो CAPF हैं ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृहमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है, 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में सैनिक बोर्ड का गठन हो, हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में सैनिक बोर्ड का गठन हो ताकि इन कर्मियों के लिए इनके हितों की सुरक्षा की जाए। माननीय सदस्य राधेश्याम राठिया जी। मेरे रायगढ़ जिला में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में प्रथम बार माननीय हमारे नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे, रेलवे कैबिनेट मंत्री में थे, तब रायगढ़ जिले में अच्छी खनिज